हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज़ मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक WWE की मसालेदार और चटपटी न्यूज़ लेकर। तो गाइज़ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैस्टल ऑफ द क्लैशेस के बारे में, जहाँ पर हमें मतलब बड़े बड़े मैचेस देखने को मिलेंगे और WWE का नेक्स्ट पे पर व्यू है। तो गाइज़ जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीते दिनों हमें देखने को मिला था किंग ऑफ द रिंग का मैच देखने को मिला था, जो पे पर व्यू का नाम भी किंग ऑफ द रिंग रखा गया था WWE ने, जहाँ पर हमें बड़े बड़े मैचेस देखने को मिले थे, जहाँ पर हमें जैसे कोडी रोड्स वर्सेस लोगन पॉल के बीच में यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच देखने को मिला था। इसके साथ साथ किंग ऑफ द रिंग का फाइनल मैच भी देखने को मिला, जहां पर गॉन्थर ने रैंडी ऑर्टन को हराकर वो किंग ऑफ द रिंग ऑफ WWE 2024 बन चुके हैं, जिस पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी हुई थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों ट्रिपल एस से जब बैकग्राउंड में पूछा गया मतलब कैस्टल ऑफ द मतलब WWE के नेक्स्ट मतलब पेपर व्यू के बारे में, जो कि है कैस्टल एट द क्लैशेस के बारे में, जहां पर रैंडी ऑर्टन ने मतलब जो मैच हारे थे उसके ऊपर भी ट्रिपल एस से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ट्रिपल एस ने उस पर क्लियर कर दिया कि वो रेफरी की फॉल्ट होती है, कि रेफरी ने नहीं देखा कि रैंडी ऑर्टन ने अपना जो शोल्डर अप किया था। इसके बाद जब मतलब मीडिया ने उनसे पूछा कि कैस्टल ऑफ द क्लैशेस के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, तो इस पर ट्रिपल एच ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हमें इसमें WWE का मतलब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलेगा, जो कि होगा ड्रू मैकइंटायर वर्सेस डैमियन प्रीस्ट के बीच में, जो कि हमें लग ही रहा था कि अब ये ऑफिशियल होगा, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर भी अब फिट हैं, वो वापस भी आ चुके हैं। अब हमें इनकी स्टोरी लाइन में अच्छा खासा तगड़ा प्रोसेस देखने को मिलेगा, जहां पर हमें एक अच्छा खासा मैच डिलीवर करते हुए मतलब ड्रू मैकइंटायर और डैमियन प्रीस्ट देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त जजमेंट डे में कैसे क्लैशेस चल रहे हैं, मतलब कि ड्रू मैकइंटायर को भी मतलब ड्रू मैकइंटायर तो मतलब अच्छे खासे मतलब सुपरस्टार्स हैं ही, वो मैच डिलीवर कर सकते हैं। डैमियन प्रीस्ट भी हम देख रहे हैं कि WWE में कितना तगड़ा उनको पुश मिल रहा है, और जजमेंट डे में जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि डैमियन प्रीस्ट मतलब कंट्रोल करते हैं उसको, फिन बैलर को भी, उसके साथ साथ वो बियांका ब्लेयर और डोमिनिक मिस्टीरियो को भी कंट्रोल करते हैं, लेकिन अभी उनकी आपसी भी लड़ाई बीच बीच में देखने को हमें मिलती रहती है, लेकिन फैंस उसको एंजॉय करते हैं क्योंकि वो बाद में फिर से मिल जाते हैं। पहले वो लड़ाई करते हैं लेकिन बैक स्टेज जाके मिल जाते हैं। तो इस वक्त ड्रू मैकइंटायर के साथ जो डैमियन प्रीस्ट की फ्यूड शुरू होगी वो देखने वाली होगी, क्योंकि दोनों सुपरस्टार कमाल के हैं, दोनों की फिजीक तगड़ी है और WWE में ये दोनों अच्छे खासे मुकाम पे हैं। तो हमें हो सकता है कि फैंस के बीच में मतलब इस मैच के लिए फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में है, और रूमर्स और बहुत सारे स्पेकुलेशंस भी हैं इस मैच को लेकर। बहुत सारे लोग ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हमें इसमें चैंपियनशिप बेल्ट मतलब बदलते हुए दिख सकती है, हो सकता है इसमें हमें रैंडी मतलब जैसे कि ड्रू मैकइंटायर जीतते हुए दिख सकते हैं, या हो सकता है रैंडी ऑर्टन का कुछ इंटरफेरेंस देखने को मिले, क्योंकि WWE भी चाहती है रैंडी ऑर्टन को एक तगड़ा पुश देने के लिए। लेकिन मतलब बहुत सारे रूमर्स ऐसे भी हैं कि रैंडी ऑर्टन हो सकता है अभी ब्लड लाइन के साथ कुछ फ्यूड में दिखें, लेकिन ये मैच जो होगा ये कन्फर्म हो चुका है कैस्टल ऑफ द क्लैशेस के लिए, जहां पर हमें देखने को मिलेगा डैमियन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच। बाकी मैच तो कमाल का होगा, मैच में फुल पैसा वसूल मतलब परफॉर्मेंस होगी। बाकी आप इस मैच के लिए एक्साइटमेंट में हैं या नहीं, इस चीज़ को आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी ट्रिपल एच ने बहुत सारी चीज़ों पे बात किया था, उन्होंने इस चीज़ को भी क्लियर किया कि कैस्टल ऑफ द क्लैशेस कब होने वाला है, और ये जल्दी जल्दी ही इसका जो डेट होगा वो अनाउंसमेंट हो जाएगा, और इंडिया में ये कितने बजे आएगा ये भी अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। बाकी ट्रिपल एच जो है इस वक्त अच्छे खासे खतरनाक मैचेस को मतलब वो ऑफिशियल्स करते हुए दिख रहे हैं। बाकी कैस्टल ऑफ द क्लैशेस में ये जो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का मैच जो कन्फर्म हुआ है, जो ऑफिशियल हुआ है डैमियन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच में, आपको क्या लगता है कि इसमें कौन जीत सकता है, कि हमें जजमेंट डे का एक इंटरफेरेंस भी देखने को मिल सकता है, या कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस चीज़ को आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय।